डिजीजेस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटे. सो अगर नेक के अंदर स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो वो क्यों हो सकती है, उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपके पास लुडविंग्स एंजाइना. क्या है लुडविंग्स एंजाइना? ये जो लुडविंग्स एंजाइना है बेटे, इसमें होता क्या है, वो कहते हैं कि इसके अंदर बेसिकली आपका जो ओरल कैविटी है या ये जो सारा रीजन है, इसमें से भी स्पेशली जो सब मैंडिब्यूलर रीजन है बेटे, उसके बाद जो फ्लोर ऑफ द माउथ है, ठीक है, सो फ्लोर ऑफ द माउथ है, सब मैंडिब्यूलर रीजन है, और जो नेक वाला एरिया है, इनके अंदर एक इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, यानी सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन होता है, और वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा होता है, और अगर आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो वो सेलुलाइटिस की तरह होता है, यानी सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं उनकी स्वेलिंग और उनका इन्फेक्शन हुआ है. अब अगर हम एटियोलॉजी की बात करेंगे तो मोस्ट कॉमनली जो बहुत वर्लुएंट स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और कुछ एन एरोबिक स्पीशीज जो हैं वो ये लुडविंग एंजाइना करती हैं. सो लुडविंग एंजाइना का मतलब है ओरल कैविटी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं उनकी स्वेलिंग है, स्पेशली सबमैंडिबुलर रीजन है या फ्लोर ऑफ द माउथ है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ना पुट्रिड हेलिटोसिस होती है, यानी उसके मुंह से बहुत बुरी गंदी स्मेल आ रही होती है. ठीक है, नाउ एटियोलॉजी हमने कहा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, कोई अंडरलिंग ओरल कैंसर हो सकता है जिसकी एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन वहां ये सुवेयर इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया. ठीक है, समटाइम वो कह रहा है कि इन्फेक्शन डीप टू द हायोइड भी हो सकता है. ठीक है, सो डीप टू द हायोइड अगर इन्फेक्शन होगा तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये कि बहुत ज़्यादा फेशियल एरिया में एडीमा होगा बेटे, इन्फ्लेमेशन होगी, लेकिन टंग की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी. ठीक है, और जो टंग होती है पेशेंट की वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड होगी. ठीक है, ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ. ठीक है, सो अपवर्ड एंड बैकवर्ड जब होगी टंग तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिसफेजिया, उसको स्वॉलोइंग में मसला होगा निगलने में, उसके बाद उसको लग रहा होगा कि उसका एयरवेज जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन फील होगी और ऑब्स्ट्रक्शन पे पेन भी है. यहाँ अगर आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये एक्सटेंसिव सेलुलाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा. जब ये एक्सटेंसिव सेलुलाइटिस में कन्वर्ट होगा बीनीथ द डीप सर्वाइकल फेशिया जो है, डीप फेशियल लेयर ऑफ नेक, उनसे नीचे जाएगा तो बेटे ये लैरिंग्स को इन्वॉल्व कर लेगा, ये एपिग्लॉटिस को इन्वॉल्व कर लेगा और एयर वे को कॉम्प्रोमाइज कराएगा. सो वो इन्फेक्शन जो फ्लोर ऑफ द माउथ एंड सॉफ्ट टिश्यूज से स्टार्ट हुआ वो पीछे ओरल कैविटी में स्प्रेड करेगा अगर आपने उसको ट्रीट ना किया. नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, आसान सी बात है कि इसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए. तो जाहिर सी बात है बेटे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स हम देते हैं. अगर उसे ट्रीट नहीं हो रहा या एब्सेस बन गई है तो हमें इस एब्सेस को ड्रेन करना पड़ता है. ठीक है, एब्सेस को ड्रेन करने के लिए हम सब मेंटल इंसीजन देते हैं नंबर वन, और सब मेंटल इंसीजन दे के जितने भी मैंडिब्यूलर ट्राइंगल्स हैं उन मैंडिब्यूलर ट्राइंगल्स को ड्रेन किया जाता है. ठीक है, नंबर टू वो कह रहा है कि साथ में हमें जो माइलोहॉइड मसल है ना, माइलोहॉइड मसल के उसको भी इंसीजन देते हैं क्योंकि उससे नीचे भी स्प्रेड हुआ हुआ सकता है, तो माइलोहाइड को इंसीजन दे के जो फ्लोर ऑफ द माउथ है उसको डिकॉम्प्रेस करते हैं एंड वहां पे ड्रेन पुट कर देते हैं ताकि नीचे भी जितनी भी एक्यूमुलेशन है वो खत्म हो जाए. ठीक है, अगर इसके बाद भी पेशेंट का एयर वे कॉम्प्रोमाइज चल रहा है तो फिर हम ट्रेकियोस्टमी भी कर सकते हैं, लेकिन दैट्स अ रेयर एंटिटी. सो हम एंटीबायोटिक देंगे, एब्सेस को ड्रेन करेंगे थ्रू द इंसीजन ऑफ सब मेंटल इंसीजन या माइलोहाइड के अंदर इंसीजन देते हैं, या फिर बेटे साथ में हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेकियोस्टमी करनी पड़ती है. नाउ इन्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बाकी जो इन्फेक्शन है दो वो बहुत ही आसान और माइनर से हैं, सो वो भी हम देख लेते हैं. तो बाकी वो कह रहा है कि अगर सर्वाइकल लिम्फेडिनो एडिनाइटिस है, ठीक है, जो सर्वाइकल लिम्फ नोड हैं उनकी स्वेलिंग हुई हुई है, तो सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ये सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस यूजली इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से होता रहता है. ना सर्वाइकल लिम्फ एडिनाइटिस दो तरह से हो सकता है, यानी जो इन्फेक्शन है वो दो तरह से हो सकता है, कोई एक्यूट लिम्फ एडिनाइटिस है या फिर हम कहते हैं कि क्रॉनिक लिम्फ एडिनाइटिस है. जो एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस है इसमें मोस्टली जो पेशेंट है वो एकदम से रैपिड इनलार्ज लिम्फ नोड के साथ आएगा, सो इसमें जो है वो एक रैपिड सा ऑनसेट होगा, इनलार्ज लिम्फ नोड्स होंगे और ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा टेंडर होंगे. इनकी एटियोलॉजी यूजुअली कोई इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन होता है, और जो पेशेंट है उसके ये साइन सिम्टम प्लस उसके कॉन्स्टिट्यूशनल साइन सिम्टम यानी पायरेक्सिया होगा, साथ में मलेरिया हो सकता है और एनोरेक्सिया हो सकता है. ठीक है, और चूंकि इसकी एटियोलॉजी स्ट्रेप्टोकोकल या स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शन है और ये एसोसिएटेड होता है टॉन्सिलाइटिस या एब्सेस के साथ, तो ट्रीटमेंट एंटिटीज भी वही हैं कि हम एंटीबायोटिक एंड साथ सपोर्टिव ट्रीटमेंट यानी एनल्जेसिक्स वगैरह या
एंटीपायरेटिक्स देते हैं। जो क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस है ना वो पेन लेस स्वेलिंग होती है, ठीक है। सो पेन लेस स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग होती है। ये जो क्रॉनिक है ये एसोसिएटेड हो सकता है स्लो ग्रोइंग से स्वेलिंग होती है। अब इसकी एक रीज़न हो सकती है कि वहाँ पे क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। जो टीबी वाला इन्फेक्शन होता है वो आपको पता है क्रॉनिक होता है, या कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, मेटास्टैटिक, मोस्ट कॉमन स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास वहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है कि क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस इसलिए है कि वहाँ लिम्फोमा प्रेजेंट है, या एचआईवी इन्फेक्शन अगर है या उससे एसोसिएटेड इन्फेक्शन तो वो भी क्रॉनिकली ही प्रेजेंट करते हैं। तो क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस का कॉज जो है वो टीबी हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है या एचआईवी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ से आपको समझ आ रही है कि अगर लिम्फ नोड स्वेलिंग है तो लिम्फ नोड स्वेलिंग जो है वो क्या हो सकता है, वो लुडविंग एंजाइना हो सकता है, वो एक्यूट लिम्फेडिनाइटिस हो सकता है, क्रॉनिक लिम्फेडिनाइटिस, ट्यूबरक्युलर एडिनाइटिस, लिम्फोमा हो सकता है, या कोई मेटास्टैटिक मैलिग्नेंसी हो सकती है। नाउ ट्यूबरक्युलर इन्फेक्शन को उसने डिस्कस किया, वैसे वो भी यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। सो जो ट्यूबरक्युलर एडिनाइटिस है वो कहता है ये ज़्यादातर बच्चों में होता है या अडल्ट्स में होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ये किसी भी एज पे हो सकता है, एनी एज पे हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि आपके जो मोस्ट कॉमनली डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, और जो आपके नोड्स होते हैं ना वो मेटेड टुगेदर होते हैं, इस तरह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। सो दे आर मेटेड टुगेदर, सो मेटेड लिम्फ नोड जो हैं वो आपने याद रखना है, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्यूबरक्युलर एडिनाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है कि इसका सोर्स क्या है। तो इसका सोर्स ये है कि 80% जो टीबी होती है वो लंग्स की टीबी है, और लंग्स से वो स्प्रेड होकर सर्वाइकल लिम्फ नोड तक आई है। लेकिन कुछ रेयर डिजीजेस में ऐसा भी हो सकता है कि बैसिलाई डायरेक्टली टॉन्सल्स में एंटर हुआ एंड टॉन्सल से सर्वाइकल लिम्फ नोड को एंटर कर गया, ये भी हो सकता है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि बेसिकली जो ट्यूबरक्युलर लिम्फेडिनाइटिस होता है ना, इसकी साथ में मैनिफेस्टेशन होती हैं, रीनल मैनिफेस्टेशन भी होती हैं और पल्मोनरी स्टेशंस भी होती हैं। सो इनको रूल आउट करने के लिए आप पेशेंट की यूरिनालिसिस करेंगे रीनल को देखने के लिए, और पल्मोनरी को देखने के लिए आपने इसके एक्सरेज भी साथ में करने हैं, ठीक है। ओके, अब वो कह रहा है कि अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया तो अच्छी बात है, लेकिन इफ़ ये लेफ्ट अनट्रीटेड होगा तो फिर क्या हो सकता है कि लिम्फ नोड्स जो है इनके अंदर एब्सेस बन सकती है, ये लिक्विफाई होंगे, लिक्विफाई होके ये स्प्रेड करेंगे। पहले तो ये कोल्ड एब्सेस जो है वो डीप सर्वाइकल फेशिया तक ही होती है, लेकिन सम टाइम ये उसको भी इरोड करेगी और ये जो है वो सुपरफिशियल फेशिया वाली जो स्पेसेस है वहाँ पे भी इंटर कर सकती है। नाउ द लास्ट थिंग ये, और जब ये सुपरफिशियल फेशिया को इंटर कर जाती है बेटे, तो वहाँ पे जाके ये एक एब्सेस बनाती है जिसको हम कहते हैं कॉलर स्टंट एब्सेस, ठीक है। सो ये भी ये नेक के अंदर बना सकती है, और सम टाइम ये फिर ड्रेन होना शुरू होगी तो साइनस भी बन सकती है, सही है। सो नॉर्मली ये लिम्फ नोड के अंदर है, लेकिन लेफ्ट अनट्रीटेड तो लिक्विफाई होगी, एब्सेस बनेगी जो पहले डीप सर्वाइकल फेशिया तक है, फिर उसको रोट करेगी, सुपरफिशियल फेशियल स्पेसेस जो है वहाँ जाएगी बीनीथ द सुपरफिशियल फेशिया एंड कॉलर स्टंट एब्सेस बन सकती है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही आसान है। क्या इन्वेस्टिगेशन है, मैं चेस्ट एक्सरे करूँगी टू रूल आउट द प्राइमरी टीबी, उसके बाद फिर मैं इसकी यूरिनालिसिस करूँगी रीनल मैनिफेस्टेशन देखने के लिए। टीबी को देखने के लिए बेटे हम मोनटॉक्स टेस्ट करते हैं, सो हम इसका मोनटॉक्स टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो कहते हैं आप एफएनएसी कर लें, और एफएनएसी के बाद आप लोग इसको को एग्जिस्टेंस एचआईवी या मलेरिया वगैरह के लिए भी देखेंगे, क्योंकि वो भी साथ में हो सकता है। ट्रीटमेंट अगेन ट्रीटमेंट में होता है कि हम एंटी ट्यूबरक्युलर ड्रग, लेकिन अगर वो रेजिस्टेंट है तो फिर हम इसकी कीमोथेरेपी करते हैं, लिम्फ नोड्स की तो यूजुअली ये ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कीमोथेरेपी के बाद फ़र्क नहीं पड़ रहा, या वो कह रहा है कि अगर आप वहाँ पे देखो कि एब्सेस बन गई है, तो अगर एब्सेस बन गई है तो एब्सेस के लिए फिर ज़रूरी होता है कि हमने उस एब्सेस की क्या करनी है, एक्सीजन करनी है, ठीक है। एक्सीजन के बाद वो कह रहा है कि जो सिर्फ उस एब्सेस को नहीं करना, जो सराउंडेड फाइब्रस कैप्सूल होता है उस कैप्सूल की भी एक्सीजन की जाती है, और साथ में जो लिम्फ नोड हैं उनकी भी करते हैं, ठीक है। सो जो एब्सेस नीवी है, एब्सेस को एक्साइज करेंगे, सराउंडिंग फाइब्रस कैप्सूल को करेंगे, विद रेलिवेंट लिम्फ नोड भी करेंगे, ठीक है। सो ये हमने करनी है। सामने में कह रहे हैं कि जो लिम्फ नोड हैं चूंकि ये मैटेड होते हैं, और जो मैटेड लिम्फ नोड होते हैं इनमें फाइब्रोसिस हो जाती है। सो जब फाइब्रोसिस हो जाती है तो इनकी सर्जरी मुश्किल है, लेकिन अगर आप सर्जरी करोगे तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या स्ट्रक्चर्स के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, स्पेशली किसके लिए करना पड़ता है, इंटरनल जुगुलर वेन या स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड के लिए। नाउ ये सारी चीज़ थी किसके बारे में, पल्मोनरी
सॉरी पर मैं कह रही हूँ लिम्फ नोड की इन्फेक्शियस कंडीशंस थी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने टीबी वाले को फास्ट अप किया था कि आप बोर ना हो जाए, लेकिन मैं दोबारा बता देती हूँ। सो जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस थी कहाँ की, आपकी नेक की, उन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हमने पढ़ा बेटे लुडविंग्स एंजाइना, जो मोस्टली स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और वो सॉफ्ट टिश्यूज जो आपकी कैविटी में प्रेजेंट है, ओरल कैविटी में, उनका इन्फेक्शन है। इसके लिए ब्रॉड आईवी इस एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर एब्सेस है तो उस एब्सेस को हमने इंसीजन करके ड्रेन करना है, ट्रेकियोस्टोमी करनी है। नंबर टू हमने कहा सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस है, और ये लिम्फेडिनाइटिस जो है ये एक्यूट हो सकता है या क्रॉनिक हो सकता है। सो जो एक्यूट होता है वो मोस्टली टॉन्सिलाइटिस वगैरह के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसमें भी हम जो है वो एंटीबायोटिक और एंटीपायरेटिक और एनर्जेसिक्स देते हैं। जो क्रॉनिक है वो एसोसिएटेड हो सकता है एचआईवी के साथ, टीबी के साथ, लिम्फोमास के साथ, ठीक है, या मेटास्टैटिक ट्यूमर के साथ। सो टीबी वाले को हमने पढ़ लिया कि ट्यूबरकुलर बैसिलाई जब आपके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड को मोस्ट कॉमनली इंटर करेगा तो लिम्फ नोड लिम्फेडिनोपैथी करेगा और मेटेड से नोड्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। साथ में आपको टीबी की और बॉडी में साइन सिम्टम्स मिल सकते हैं, जिसके लिए आप क्या करेंगे, आप उसके लिए चेस्ट एक्सरेज करेंगे, यूरिनालिसिस करेंगे, एंड उसके बाद मोंटॉक्स टेस्ट वगैरह करेंगे। और ट्रीटमेंट मोडालिटी ये है कि आप इसकी कीमो करेंगे, कीमो से फ़र्क नहीं पड़ा और एब्सेस बन रही है तो आपने उस एब्सेस की एक्सीजन करनी है, या फिर उससे भी नहीं हो रहा तो आप लिम्फ नोड की रिजेक्शन करते हो। लेकिन लिम्फ नोड की जो एक्सीजन या रिजेक्शन है वो थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फाइब्रोसिस हुई हुई होती है, तो आपको एडजेसेंट स्ट्रक्चर की भी कुर्बानी देनी पड़ती है, जैसे कि इंटरनल जुगुलर वेन या स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड। अब लास्ट चीज़ हमारे पास रहेगी ये स्नेक के ट्यूमर, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।